आप देख रहे हैं द BNY न्यूज, मैं विवेकानंद यादव। आज बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दी गई है। विपक्ष की लंबी मांग थी, तेजस्वी यादव का जबरदस्त संघर्ष था, आज सरकार ने घुटना टेका और प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि बिहार में NRC लागू नहीं की जाएगी और NPR केंद्र सरकार के मसौदे के आधार पर, मजलूम के आधार पर नहीं लागू किया जाएगा, 10 के आधार पर NPR को लागू किया जाएगा। आज ध्वनि मत से सदन में यह प्रस्ताव पास हो चुका है, कर दिया गया और अब बिहार के लोगों में खुशी का माहौल है और सरकार को विपक्ष के आंदोलन के कारण घुटना टेकना पड़ा। घंटों तेजस्वी यादव ने सदन में अपनी बात रखी, लंबी वार्तालाप से हुआ, उसके बाद NRC और NPR नहीं लागू करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया और भाजपा के नेतागण टुकुर टुकुर देखते रह गए। अब देखना यह होगा कि इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद क्या भाजपा और नीतीश के बीच में खटपट हो जाएगी या मनमुटाव होगा, लेकिन कुछ भी राजनीति में संभव है। दोनों विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री मिलकर बैठक आपस में घंटों मंथना कर यह निर्णय लिया और ध्वनि मत से आज यह पास कर दिया गया कि बिहार में NRC लागू नहीं की जाएगी और 10 के आधार पर NPR लागू किया जाएगा। सरकार ने जो माता पिता, कहाँ जन्म स्थान, मोबाइल नंबर, क्या क्या जो फॉर्म रखा है वह नहीं माना जाएगा। यह बिहार वासियों के लिए जीत का एक विषय माना जा रहा है और तेजस्वी यादव और विपक्ष की जो संघर्ष थी, लड़ाई थी, आज उस लड़ाई में तेजस्वी यादव जीतते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।